संध्या डालाकोटी ने अभी कुछ देर पहले ही लालकुआ विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। मैम अभी आप नामांकन दाखिल करके आ रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद टिकट वापस ले लिया, तो किस तरीके से अब आपका जो ये वाला फेज शुरू होने वाला है? देखिए, मुझे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था और 2 दिन के बाद मेरा टिकट काट दिया गया था। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी गलती क्या थी? क्या एक नारी का सम्मान इसी तरह से किया जाता है? हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कुमाऊँ से 2 बेटियों को टिकट दिया और 1 बेटी को टिकट देने के बाद 2 दिन बाद रुला दिया, तो ये इसका जीता जागता सबूत है आपके पास। मैंने आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर नामांकन किया है और मैं माँ कालिका का आशीर्वाद लेके आई हूँ और मैं इस विधानसभा में परचम लहरा के उत्तराखंड की सभी मातृशक्ति का सम्मान करके एक विधानसभा में अपना एक ऐसा परचम लहराऊंगी कि इस पूरे उत्तराखंड की महिलाएं याद करेंगी। मैम अभी थोड़ी देर पहले ही हरीश रावत जी ने भी नामांकन दाखिल किया था, उन्होंने कहा कि संध्या डालाकोटी मेरी छोटी बहन है, हम उनको मना लेंगे। देखिए, रिश्ते हर व्यक्ति के होते हैं, मैं उनकी बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और बहन भी हूँ, वो हमेशा रहूँगी, लेकिन जो आज मेरे संग पार्टी ने किया है मैं उससे आहत हूँ और मुझे बड़ा दुख है और ये दुख अब कम होने वाला नहीं है। और मेरी मातृशक्ति युवा और बुजुर्गों का मुझे विशाल सहयोग मिल रहा है और हम हर बूथ में जाके इस ललक को जगाएंगे और विधानसभा में परचम। कांग्रेस का एक नारा है कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, बिल्कुल लड़ूंगी और लड़के और कुछ करके दिखाऊंगी। विजन मैम, लालकुआ में मूलभूत सुविधाएं की काफी कमी है, आपका विजन क्या है, किस तरीके का? देखिए, ये लालकुआ विधानसभा कोई मेरे लिए नई विधानसभा नहीं है, मैं पैराशूट प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं यहाँ के स्थायी निवासी हूँ और मेरे को यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं हर मैं एक एक चीज से वाकिफ हूँ, चाहे वो बिंदु खत्ता का राजस्व गांव हो, लालकुआ में मालिकाना हक हो, ओवर ब्रिज का मामला हो, NHI की रोड 15 साल से ऐसी पड़ी हुई है, गोला इंदिरा नगर का नाला हो, गोलापार में ISBT अंतर्राज्यीय बस अड्डा और इंटरनेशनल जो स्टेडियम वहाँ पर बनाया था, चोरगलिया में ITI शुरू नहीं हुई है, नकेल का पुल, विजयपुर का पुल, सारी प्राथमिकता से मुझे इस क्षेत्र की हर एक भौगोलिक स्थिति से पता है और मैं अगर मुझे जनता और मातृशक्ति मुझे समर्थन देगी तो मैं एक एक समस्या का निदान करके विधानसभा में एक ऐसा नाम हासिल करूंगी कि इस विधानसभा के लोग देखेंगे। आपने सुना संध्या डालाकोटी को, उन्होंने बताया कि वो पूर्ण तरीके से चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और उन्होंने इस बात का भी साफ इनकार किया कि वो आने वाले वक्त में बैठ सकती है। कैमरा पर्सन सनी सिंह के साथ पंकज पांडे, हल्द्वानी लाइव.com।